मेवाड़ रियासत में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? गोहिल वंश। और गोहिल वंश का कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? राणा लाखा। क्या पढ़ रहे हैं हम? इस राणा लाखा का बेटा था, उस बेटे का नाम था चुंडा। बेटे का नाम क्या था? लाखा के बेटे का नाम था चुंडा। इधर एक पास में एक रियासत और पड़ती थी, मारवाड़। कौन सी रियासत थी? इस मारवाड़ में जो डायनेस्टी थी, जो वंश था, वो था राठौड़। कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी? और इस राठौड़ वंश के राजा का नाम भी था चुंडा। राठौड़ वंश का जो राजा था उसका नाम क्या था? आप यूं समझिए कि मेवाड़ के राजकुमार का नाम चुंडा है और मारवाड़ के राजा का नाम ही क्या है? चुंडा। इस चुंडा के एक बेटी थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? एक बेटा था, इसका नाम था रणमल। क्या नाम था? चुंडा। मारवाड़ का राठौड़ वंश का एक राजा जिसका नाम क्या है? चुंडा। उसकी एक राजकुमारी का नाम क्या है? हंसाबाई। राजकुमारी का भाई कह दो या राजा का बेटा कह दो, राजकुमार एक, उसका नाम क्या है? रण। मारवाड़ वाला चुंडा अपनी राजकुमारी हंसाबाई के लिए कोई योग्य राजकुमार देख रहा था। तो अच्छा, कोई राजकुमार मिले तो उसकी क्या कर दे? शादी। और मारवाड़ वाले चुंडा को पता चला कि मेवाड़ में एक योग्य राजकुमार है। चुंडा एसआई की तैयारी कर रहा है, पूरा याद कर लेता है ढंग से, वेद ज्वाइन किया हुआ, हिंदी भी पढ़ लेता है डेली। तो उसको लगा कि यार हंसाबाई का रिश्ता किससे कर दिया जाए? चुंडा। तो मारवाड़ के राजा चुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए भेजा? मेवाड़ वाले चुंडा के लिए, मेवाड़ के राजकुमार चुंडा के लिए भेजा। पर मेवाड़ के राजा तो कौन है? लाखा जी अफीम वफीम ज्यादा खाया करते थे, तो लाखा जी मस्ती रहा करते थे, राजकाज पूरा उनका बेटा ही संभालता था। बेटा कौन था? चुंडा। स्वाभाविक सी बात थी कि लाखा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। युवराज था, वो प्रिंस था, तो भाई वैसे अगला बनेगा तो राजकाज उसके हाथ में होता, पर राजा वाली गद्दी पे लाखा जी बैठे रहते। लाखा जी का दरबार लगा हुआ, लाखा जी बैठे हुए, पास में चुंडा बैठा हुआ, बाकी दरबारी बैठे हुए। इतने में गेटकीपर आया और गेटकीपर ने आगे कहा, सब मारवाड़ से कुछ लोग आए हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पहले क्या अक्सर यूं रिश्ते वगैरह लेने के लिए दूत भेज दिया करते, भाई दूत जाते रोज जाके रिश्ते की बात करके आ जाते। पांच पंडित जी गए थे, पांच ब्राह्मण गए थे, पुरोहित जी गए कोई, वो आए दरबार के अंदर और दरबार के अंदर आगे लाखा को राम रूमी की। लाखा जी ने कहा, बताओ भाई कहां से है? तब हम मारवाड़ के राजा चुंडा के दूत हैं, नारियल लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? नारियल का मतलब होता था राजकुमारी का रिश्ता। और जैसे ही उन्होंने कहा कि नारियल लेके आए, और लाखा जी जोर जोर से हंसे। लाखा जी ने कहा, क्या बात है, अभी तक हमारे लिए बुढ़ापे में रिश्ते आ रहे हैं? लाखा जी ने सोचा मेरे लिए आया है, और उन्होंने पंडित जी ने कहा, अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके लिए रिश्ता लेके नहीं आए, हम तो आपके बेटे चुंडा के लिए रिश्ता लेके आए। अब जैसे उन्होंने ये कहा तो सामने जो जनता बैठी थी वो हंसने लग गई, और जनता ने कहा कि यार लाखा जी को देखो, मतलब पैर कब्र में है कि दिल है कि मानता नहीं, मतलब डोगरे को बुढ़ापे में ब्याह करने। पर जब लोग हंसे तो लाखा का जो बेटा चुंडा था इसको बुरा लगा। स्वाभाविक बात है, अपने सामने अपने पापा कोई कह दे तो बुरा लगना स्वाभाविक सा बात है। और चुंडा ने उन पंडित जी को कहा, पंडित जी थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए, पर आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा मेरे पिताजी रखते हैं, इसलिए आपकी राजकुमारी मेरे लिए मम्मी समान, इसलिए आप अपनी राजकुमारी की शादी किसके साथ करो? मेरे पापा। पंडित जी ने कहा कि चुंडा यार तू एक बार पापा को देख ले, पापा यार पांच सात साल के मेहमान बच्चे हैं तेरे, कोई कन्या कैसे इसके साथ में शादी की जा सकती है? तो चुंडा ने कहा, मैंने कब कहा कि यही करो, आप और कहीं कर दो, मैं नहीं करूंगा। मेवाड़ के अलावा और रियासतें पड़ी है, और कहीं पे जाके शादी कर दो, पर अब चूंकि मेरे पिताजी शादी की इच्छा जाहिर कर चुके हैं इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो पांचों बाहर गए, उन्होंने जाकर, बेटे बाप बेटे ठीक है यार, पापा कह रहा मेरा ब्याह कर दो, बेटा कह रहा पापा का ब्याह कर दो, अब क्या करें? तो उनका यार वापस चल लेते हैं। वापस गए तो ये वाला चुंडा कहेगा कि यार एक काम करने भेजा, रिश्ता करने भेजा, वही ढंग से नहीं करके। पांचों ने वापस बैठ के बात करी, एक ने कहा लाखा के साथ ही कर देते, राजाओं के होते थे, बुढ़ापे में भी ब्याह हो जाया करते, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पर एक ने कहा कि बात ये नहीं है कि लाखा के साथ बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं, हम लाखा के साथ शादी कर रहे हैं, बात यह है कि मेवाड़ में लाखा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। अब यदि हंसाबाई की शादी लाखा के साथ की जाती है तो हंसाबाई का जो बेटा होगा उसको राजा नहीं बनाएंगे, पर यह अपने लिए बेइज्जती है कि मारवाड़ के राजा की बेटी का जो बेटा होगा वो अगला राजा नहीं बनेगा। और एक भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को गांव मिलते थे, तो मतलब हंसाबाई के बेटे को कहीं दो गांव दे के साइड में बिठा देंगे? मारवाड़ का दोहिता, मारवाड़ का भांजा दो गांव लेके नहीं बैठेगा, कम से कम अपना भांजा अपना दोहिता तो अगला राजा तो बने, किसी भी रियासत का बने। अरे ये बात तो सही। एक पंडित जी थोड़े सियाने थे, उन्होंने कहा अंदर चल के मैं बात करता हूँ। अंदर आए, अंदर आ गए चुंडा का,
चुंडा, हम हमारी राजकुमारी हंसाबाई की शादी लाखा जी के साथ कर देंगे, पर एक बात बता, तेरे पिताजी लाखा जी जब मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा ने इसमें क्या पूछना है? मैं बनूंगा? नहीं, यदि अगला राजा हंसाबाई के बेटे को बनाए तो हम तेरे पापा की हमारे राजकुमारी से शादी कर दे, वरना नहीं करें। चुंडा ने कहा, यदि शर्त यही है तो मैं कहता हूं आपको कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा मेरा जो कोई सौतेला भाई होगा, हंसाबाई का जो बेटा होगा, उसको बना दिया जाएगा। हम कहते हैं महाभारत काल में या तो ऐसी प्रतिज्ञा राजकुमार देवव्रत करता है, कौन करता है? राजकुमार देवव्रत, या ऐसी प्रतिज्ञा राजकुमार चुंडा ने। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा हुआ करते थे महाराज शांतनु। राजा का नाम क्या था? हस्तिनापुर के सम्राट थे महाराज शांतनु। और महाराज शांतनु को एक बार बुढ़ापे में एक लड़की पसंद आई, सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। और उन्होंने सत्यवती से शादी की इच्छा जाहिर की। सत्यवती के पिता अगले दिन सम्राट शांतनु से बातचीत करने के लिए दरबार में आए। सम्राट शांतनु पहले से शादीशुदा थे, उनके युवराज थे, उनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था युवराज का? और उन्होंने आगे देवव्रत से पूछा कि देवव्रत, तुम्हारे पिता शांतनु मेरी पुत्री सत्यवती के साथ शादी करना चाहते हैं, पर मैं कुछ बातें तुमसे करना चाहता हूँ। देवव्रत ने कहा, निश्चित रूप से। उनका कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु के बाद अगले सम्राट कौन बनेगा? तुम बनोगे? निश्चित रूप से देवव्रत ही बनेगा। उसने कहा कि नहीं, यदि मेरी बेटी सत्यवती के बेटे को अगला सम्राट बनाया जाए तो मैं तुम्हारे पिता के साथ शादी करूं, वरना नहीं करूं। राजकुमार देवव्रत ने कहा कि ठीक, अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा जो भी होगा वो आपकी बेटी जो सत्यवती होगी उससे जो बेटा होगा, जो मेरा सौतेला भाई होगा, उसको राजा बना दिया जाएगा। सत्यवती के पिता ने एक बार फिर कहा कि देवव्रत, तुम तो शादी करोगे, और तुम शादी करोगे तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे और जो तुम्हारे सौतेले भाई होंगे उनकी उम्र में कोई अंतर भी नहीं होगा, लगभग लगभग बराबर उम्र के होंगे। कल को तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे ये क्लेम करे कि हमारे पिता ने तो राज्य ग्रहण नहीं किया, लेकिन ये राज्य तो हमारा है और हम ये राज्य लेंगे तब। और राजकुमार देवव्रत खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस बात पर मैं कहता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। उस राजकुमार देवव्रत ने उस दो भीषण प्रतिज्ञाएं की थी कि ना तो हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे, ना ही वो शादी करेंगे। ऐसी विषम प्रतिज्ञाओं के कारण उस राजकुमार देवव्रत को हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुछ ऐसी प्रतिज्ञा उस दिन मेवाड़ के दरबार में राजकुमार चुंडा कर रहा था, इसलिए हम चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। चुंडा क्या कहते हैं? मेवाड़ का। पर चुंडा प्रैक्टिकल था, चुंडा ने एक ही प्रतिज्ञा की, दो नहीं की। चुंडा ने कहा, मैं अगला राजा नहीं बनूंगा। शादी वाली बात पे बोला ही नहीं चुंडा। नहीं बनूंगा शादी वाली बात पे बोला ही नहीं चुंडा उल्टा चुंडा ने कहा, मैं शादी करूंगा, जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। चुंडा जी के नाम से पूरी एक ब्रांच है चुंडावत आगे। तो कई बार क्लास में कोई, मैं जब आगे बताता हूं कि चुंडा के बेटे को यह दिया गया, चुंडा के पोते को यह दिया गया, स्टूडेंट सीडियो में पकड़ लेता है। सर, पर चुंडा ने तो शादी नहीं की। किसने कहा चुंडा ने शादी? चुंडा को भीष्म कहते हैं ना। मगर कलयुग में एक प्रतिज्ञा भी बहुत बड़ी बात है, राज छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। वो द्वापर था भाई, उस टाइम भीष्म पितामह ज्यादा कर गए, यहाँ पे एक की ये भी बड़ी बात है। उस समय जब राज प्राप्त करने के लिए बाप को मार दिया करते थे, कोई बाप की शादी के लिए कह दे कि मैं राजा नहीं बनूंगा तो ये कोई कम बात थोड़ी है। तो चुंडा ने कहा था कि वो शादी नहीं करेगा, इसलिए चुंडा को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। याद रहेगी बात है, काम की बात तो सीधी सी इतनी है, इसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और फिर हंसाबाई की शादी किसके साथ कर दी गई? शुभ विवाह संपन्न हुआ इनके साथ। अब थोड़ा सा यदि ये सचित्र वर्णन कर लो तो मैं लिखवा दूं बाद में, उतार लो थोड़ा दिमाग में।